नमस्कार। आज हम लोग इतिहास में जो NCERT का कक्षा 6 का इतिहास है उसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो दूसरा चैप्टर में क्या है, आदि मानव की खोज। मतलब ये देखेंगे कि मानव का इतिहास समझेंगे। इतिहास में क्या, आदि मानव कि पहले का मानव क्या था, कैसे रहता था, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, उसके बारे में हमें कैसे कैसे पता चलता है। तो यही है, तो शुरू करते हैं। और आशा करते हैं कि हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, और सब्सक्राइब करेंगे तो इससे अच्छा ऐसा होगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन कौन सा वीडियो लोड कर रहा हूँ। और आशा करूँगा कि आप लोग भी अपना राय देंगे कि ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे टॉपिक पर लोड कर सकूँ, और अधिक मात्रा में और जल्दी जल्दी लोड कर सकूँ। इसलिए आशा करता हूँ कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं। तो CBSE बोर्ड में तो हर बार यही रहता है कि पहले उसमें कुछ क्वेश्चन आता है और उसी का डिफिनेशन दिया जाता है। और ये केवल CBSE क्लास के लिए नहीं है, सारे एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है। कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC हो, BPSC हो, UPSC हो, BPSC हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर इतिहास पढ़ना है, इतिहास के बारे में समझना है तो हमें CBSE क्लास के जो किताबें होती हैं उनको पढ़ना आवश्यक है। तो पढ़िए, शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले होता है तुषार। तुषार एक एक्टर है। तुषार कौन है? तो तुषार तो यही है, तो रेल से जाता है। तो देखते हैं रेल से वो क्या क्या देखता है। तो तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। तो खिड़की वाली सीट तो सलू चाहते हैं कि विंडो सीट मिले। तो नज़ारा देखने में मग्न था। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू की थी, और बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? तो खोजते हैं हम लोग आगे। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर कैसे घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खास संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियों, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती है, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। यही कारण है कि आजकल भी हम लोग के यहाँ मांसाहार से ज़्यादा शाकाहार लोग क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर वनस्पति की प्रचुर मात्रा में एवं विविध मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। कई ऐसे जानवर थे जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते थे, और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी थे। जानवरों का शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क और जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन हमारे खाने योग्य है और कौन विषैला है, नहीं तो विषैला खाएंगे वही मर जाएंगे। साथ ही फलों के पकने का सही समय भी पता होना चाहिए। एक नंबर। दूसरा का क्वेश्चन है, ऐसे समुदायों में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो, क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान है? मतलब ये कह रहा है कि आजकल भी ST एंड ट्राइबल इलाका के लोग सब नॉर्थ ईस्ट में, मध्य प्रदेश में, दक्षिण में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जंगल में रहते हैं, तो उनसे संबंधित है, वो भी तो जंगल पर ही आश्रित हैं। आखेटक, खास संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। तो कौन सा है? एक नंबर कारण, पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में वो कहाँ गए? दूसरी जगह गए। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए जानवरों का शिकार करते करते मानव भी दूसरा जगह चला गया। तीसरा कारण यह है कि पौधों व में फूल फल लगने का अलग समय होता है, मौसम होता है, इसलिए उसकी तलाश में अच्छे उपयुक्त मौसम के लिए मानव उनके साथ साथ घूमते चला गया। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन संभव नहीं रहा। पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है, अतः नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता।
कुछ झीलों नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने के लिए भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी यात्रा कैसे हुआ था उस समय। लोग पैदल, उसमें तो कोई गाड़ी था नहीं। अब आगे देखते हैं आरंभिक मानव में जानकारी हमें कैसे मिलती है। क्वेश्चन नंबर एक, तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने देखिए सब है काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं जो हमें मिलते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखिए समझ सकते हैं, तो सबसे पहला कौन होगा, जो सबसे भद्दा होगा। आदमी पहली बार भी कोई चीज़ बनाता है तो वो अच्छा नहीं होता। ये देखिए एक नंबर, ये सबसे पहले वाला ये है सबसे प्राचीन पत्थर। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, भद्दा है, कोई नुकीला नहीं है। ये दूसरा नंबर ये है क्योंकि इससे साइज छोटा हो गया, कुछ नुकीला हो गया। तीसरा नंबर में ये आ गया, ये भी और भी उससे छोटा होता चला गया। ये तीन नंबर में है। चौथा नंबर में देखिए एकदम ये माइक्रोलिथिक आ गया चार। और ये तो हो गया भाई बेसिक चॉइस वाला, मतलब इसके कारण जैसे क्या लिखा हुआ अंगर, ये गुटिका या प्राकृतिक पत्थर है, इसके बारे में कोई नहीं। ये तो नदी से मिले हुए पत्थर हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ा वाला, ये पत्थरों से बने प्राचीनतम उठा सबसे बड़ा बड़ा। दूसरे का ये कई हज़ार साल बाद बनाए गए थे, मतलब ये घ जो है ये बाद में आया और इन्हें और बाद में बनाया गया। घ वाला जो और तेजा हो गया, घ इन्हें लगभग 10,000 साल, ये सबसे तेजा है, तेज है घ, ये सबसे बाद में आए थे लगभग 10,000 साल तक। और ये गुटिका या प्राकृतिक पत्थर है जो नदी में मिलते हैं, इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। ये मानव को अच्छा लगा इसलिए उठा लिया। तो हथियार क्या था? हथियार था पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार में आज भी मिलते हैं। हड्डी और लकड़ी तो सूख गया, मतलब कि खत्म हो गया, गल गया होगा। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाँस जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने में भी किया जाता था। सही बात है, और कुछ होगा तो आदमी उपयोग करे। देखिए ये नुकीला है, इसे क्या कर रहा है, मिट्टी भी खोद रहा है, ये चमड़े को भी सी रहा है। दो, पत्थरों के औजारों का उपयोग बाएं में देखिए इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। दाएं में देखिए जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को पहनने के लिए बनाया रहा है, उसी रहा है भाई रहने के लिए। देखते हैं हम नीचे मानचित्र, इसमें देखेंगे कि सबसे पहले मानव के निवास स्थल कौन कौन से हैं। तो यही है लाल त्रिकोण वाले स्थान, वे पूरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। अर्थात सबसे पुराना मानव कहाँ मिला है, जो ये लाल वाले हैं। इसके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटक खाद संग्राहक रहते थे। मानचित्र में हम देखेंगे जो गिने चुने हैं, ऐसा थोड़े कि जहाँ जहाँ मानव सब को हमें आज तक जानकारी प्राप्त हो चुका है, नहीं। जो जहाँ तक पुरातत्वविदों ने साबित किया, कुछ खुदाई की मिला तो वही साबित हो गया यहीं पर रहते थे। कई पुरातत्व स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो देखिए पूरा पाषाणिक काल यानी सबसे पुराना, तो सबसे पुराना कौन है, ये भीम बेटिका है। ये भीम बेटिका माने मध्य प्रदेश वाला है। और इधर ये देखिए इधर हुसंगी और कुरनूल, तो कुरनूल कहाँ पर पड़ता है, कुरनूल हैदराबाद यानी तेलंगाना में है। ये सब गोदावरी के क्षेत्र, गोदावरी नहीं है, हुसंग में है। और हुसंगी ये कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद नवपाषाणिक काल, नवपाषाणिक काल मतलब ये वर्ग की तरह, तो कहाँ पर है, दाओजली। दाओजली कहाँ है, असम में है दाओजली। चिरांद बिहार के सोनपुर में है। कोल्हुआ मगधा ये दोनों उत्तर प्रदेश में है, दक्षिण में आता है। पय्यमपल्ली हल्लूर, तो पय्यमपल्ली कहाँ है, तमिलनाडु में पड़ता है पय्यमपल्ली। और हल्लूर, हल्लूर कहाँ है, कर्नाटक में है। इसी तरह से पश्चिम में आइए तो कश्मीर में है ये बुर्जहोम, तथा ये मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमा पर है। तो ये सभी का क्या है, नवपाषाणिक काल। वहीं महापाषाणिक काल, तो महापाषाणिक काल ये ग्रीन से है, तो ग्रीन में महापाषाणिक काल कौन हो गया, इधर आदि चन्नलूर कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। और वहीं आरंभिक गांव, तो आरंभिक गांव देखिए, आरंभिक गांव कहाँ गया, एकमात्र ये इधर है इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ है, तो इनाम गांव महाराष्ट्र में। वहीं आधुनिक नगर, आधुनिक नगर में देखिए मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, सब हम जानते हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को क्या कहते हैं आजकल लोग, वो उद्योग स्थल है।
मतलब ऐसा नहीं है कि वह फैक्ट्री कारखाना था, उद्योग मतलब वो यहाँ पत्थर उत्थर मिला है बस। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल भी कहते हैं। देखिए ये है कहाँ, इस बार नहीं दिया होगा ना किधर, हाँ होगा देखते खोजते ऊपर। ये भीम बेटिका का उदाहरण है, तो आधुनिक मध्य प्रदेश में है, आवासीय पूरा स्थल है उन्हें कहते हैं, जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जहाँ जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश धूप और हवाओं से राहत मिलती थी, अर्थात तो घर हो गया नेचुरल घर। ऐसी प्राकृतिक गुफाएँ बिंद और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास हैं। तो कहाँ है ये भीम बेटिका, यहाँ पर लगभग 700 से ज़्यादा गुफा मिले हैं। पूरा स्थल मतलब देखिए यहाँ पर है, पूरा स्थल हम उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार बर्तन इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में पढ़ाया जाएगा, उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। पाषाण उपकरण कैसे बनाया जाता था, ये देखिए इसमें एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर दोनों को पीट रहा है, पीटते पीटते जो कमजोर भाग है वो टूट जाएगा और जो चिकना है बच जाएगा, तो पूरा पत्थर बन गया भाई, हथियार औजार हो गया। पाषाण औरतों का औजारों का निर्माण तो कैसे तरीका है, दो तरीका है। एक नंबर पत्थर से पत्थर टकराया जाना भाई, इससे भी पत्थर बन सकता है, इसमें वही आघात होगा तो स्थल उधर जाएगा और वांछित आकार में उठा सकते हैं। दूसरा तरीका दबाव स्थल तकनीक कहा जाता है, इसमें क्रोड कोर को एक स्थिर सतह पर हम पत्थर को टिका देंगे और इस कोर पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से स्थल निकालने जाते हैं जहाँ वांछित माने ये वो रख देंगे, उसके ऊपर से पीटते रहेंगे तो उससे भी हो जाएगा। आँख की खोज, तो आँख की खोज कहाँ हुआ, तो कुरनूल गुफा डूंग, कुरनूल देखे थे हम लोग भाई, कुरनूल कहाँ था तेलंगाना में। तो इसका मतलब यह है कि आरंभी लोग आँख जलाना सीख गए थे। आँख का इस्तेमाल मतलब कहाँ मिला हमें, कुरनूल गुफा से आँख के अवशेष मिले हैं। इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे हिरण बरसिंगा भेड़ बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़ कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई हो। इसी दौरान महाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। आगे देखते हैं, साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। ये सब कल्पना है, मतलब ये हाइपोथेसिस है कि मानो कैसे विकास किया, मानो ने कैसे सब कुछ सीख लिया कि धान इधर रोपना है, चावल अब गेहूँ के सीजन गेहूँ, धान के सीजन धान, ज्वार के सीजन ज्वार, यहाँ आम रोपे आम फल खाएंगे, पता तो था नहीं पहले। तो यही मानो ने हीट एंड ट्रायल किया होगा। एक सेल चित्र मतलब भीम बेटिका गुफा में इसी तरह का चित्र बनाया, इसमें क्या हम समझ रहे हैं कि ये पिछला मानव है जो जानवर का श्रृंग क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है। इन गुफाओं में लोग रहते थे, उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उपकरण उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। कौन क्या करता था, तो आगे देखते हैं। तो हमने पढ़ा कि आरंभी लोग शिकार था फल फूल का, फल और मूल वाले जमीन के जड़ का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चले कि महिला शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे। वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती हैं। महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी, कुछ केवल पुरुष, क्योंकि आज भी डिवाइडेशन देखते हैं कि हिम्मत पुरुष और महिला दोनों अलग अलग कार्य करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि प्राचीन काल में भी ऐसा रहा हो। इसके अलावा महाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी।
हुसंगी का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। तो हुसंगी को देखते हैं, हुसंगी कहाँ है, तो हुसंगी कर्नाटक में था। तो यहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं, कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले हैं। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे, अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। ये सब हम समझ चुके क्यों। अब ग्रेनाइट का कोई बनाएगा तो वो कैसे तोड़ेगा उसको, ना वो टूटेगा बदले में हाथ घर फूट जाएगा। ले वही अगर चूना पत्थर का है तो ये उसको कमज़ोर होता है, ये औषधि यानी कि परतदार सीमेंट्री रखा, इसको पीटेगा तो टूट जाएगा। इसमें अपने आकार में इसको ढाल सकते हैं, उसके लिए कम एफर्ट करना पड़ेगा। इसलिए अधिकांश हमें औजार क्या मिले, तो चूना पत्थर के मिले हैं। क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरास्थलों का नाम बता सकते हो? हाँ बताएंगे, देखते हैं भाई आगे क्या है। वो ख़त्म हो गया तो कुछ छूट गया था, वो पहले देख लेते हैं। एक ये छूटा था, नाम तथा तिथियाँ, मतलब हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं, पुरापाषाण प्री हिस्टोरिक। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा का पाषाण काल कब शुरू होगा, तो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल तक पहले को माना जाता है पूरा पाषाण काल। क्लियर है? तो पूरा पाषाण काल मतलब 3 लाख से 12,000 ईस्वी तक, मैंने 12,000 साल पहले तक पूरा पाषाण काल। और इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। तो मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है, यानी पूरा पाषाण काल के दौरान। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल में हमें क्या हुआ, पर्यावरण बदल गया था, तो मेसोलिथ को क्या कहेंगे हम लोग, मध्य पाषाण काल। इसका समय 12,000 साल से लेकर 2,000 साल, तो मेसोलिथ 12,000 से 10,000 साल तक है, मतलब 2,000 साल। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे हैं, यानी इन्हें हम माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ मतलब छोटा, मेगालिथ बड़ा बड़ा, यानी लघु पाषाण काल कहते हैं। पर इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मूठे लगे हंसिया और आड़ी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। हम लोग देख चुके हैं अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले होती है, तो इसे क्या कहेंगे हम, नौपाषाण युग। अगले अध्याय में हम नौपाषाण के बारे में पढ़ेंगे। नौपाषाण का मतलब हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो क्लियर है, नौपाषाण मतलब उस समय मानव ने आग का खोज कर लिया था। और भारत में शुतुरमुर्ग, ये भी क्वेश्चन है, शुतुरमुर्ग आज कहाँ मिलता है, तो कालाहारी में। तो भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान यानी 3 लाख साल से 12,000 साल पहले के बीच में शुतुरमुर्ग के अवशेष मिले हैं। और कहाँ से मिले हैं, तो ये महाराष्ट्र के पटने पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे का अवशेष मिला है। यानी भारत में उस समय शुतुरमुर्ग था, इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। मनके मतलब क्या होगा, घर यानी पानी में रखने का जगह। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्यत में देख लेते हैं। अपने एटलस में हम फ्रांस को ढूंढिए भाई, फ्रांस कहाँ है, तो फ्रांस यूरोप में है। यूरोप में कहाँ है, तो फ्रांस यूरोप में किधर है, फ्रांस के एक साइड में स्पेन है और एक साइड में उसके जर्मनी है, और उस फ्रांस और एक बगल में टापू है वो कौन है, यूके है, और दोनों के बीच में इंग्लिश चैनल है। क्लियर है? तो इस पूरा स्थल को की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने किया था भाई, फ्रांस में। इस तरह के चित्र लगभग वहाँ कहाँ 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के उस समय चित्र मिले, कैसा ये सब कहाँ, फ्रांस में। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गधा ने भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से दिखाया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। जैसे आजकल भी हम लोग फिल्मों में या देखते हैं बहुत जगह से ट्राइबल्स होता है, तो पर्व त्यौहार जब ट्राइबल्स का होता है तो उनमें खूब रंग बिरंग के चित्र बनाते हैं, खूब धूमधड़ाका करते हैं, तो वही हो सकता है, कल्पना किया जा सकता है। कल्पना करने में क्या जाता है, कल्पना करो। उपयोगी शब्द, आखेटक, खास संग्राहक, मतलब माने मानव कब था पहला, एक जानवर जैसा था, जानवर मतलब शिकार करो, खाना खाओ,
कुछ जानवर जमा भी कर लेते थे, उसे मानव भी जमा कर लेता था। पूरा स्थल माने वैसा स्थान जहाँ से प्राचीन काल के हमें पत्थर से बने औजार या उस समय पुरातत्वविद का सामान मिलते हैं, पूरा स्थल हो गया। उद्योग स्थल मतलब प्राचीन काल में जो पत्थर से औजार बनाए जाते थे उसके जो अवशेष जहाँ से मिलते हैं, क्या हो गया उद्योग स्थल। आवासीय स्थल जहाँ पर प्रागैतिहासिक मानव रहता था, वो क्या हो गया, वो उसका आवासीय स्थल है। पूरा पाषाण यानी 3 लाख साल से 12,000 साल पहले के काल को क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल। उस समय के पत्थर बड़े बड़े औजार बने हैं, भद्दे किस्म के हैं। मध्य पाषाण काल यानी 12,000 से 10,000 साल पहले का काल, इसमें मानव ने पत्थर पर्यावरण चेंज हुआ, मानव कुछ विकास किया, पत्थरों में इसके बनाए गए हथियार कुछ छोटे हो गए, कुछ चिकने हो गए। और लघु पाषाण यानी माइक्रोलिथिक, इस समय मानव पत्थर से हथियार बनाने में तेज हो गया था और उसने अच्छे अच्छे औजार बनाया था, महीन उसमें धार तेज हो गया था। क्लियर हो गया। तो आखेटा खाद संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे, क्यों भाई, क्योंकि तो उनको रहने का घर मिल जाएगा, रात्रि में वो बच सकते हैं, बारिश में भीगेंगे नहीं, धूप में मरेंगे नहीं, ठंड में भी बच जाएंगे, वही बात है, इसलिए वो गुफा में रहते थे। घास वाले मैदानों का विकास कैसे हुआ था भाई, तो घास वाले मैदानों का विकास 12,000 से 10,000 साल पहले जब मौसम में परिवर्तन हुआ और तापमान बढ़ा तो घास का विकास हो गया, तो घास वाले मैदान का विकास हो जाएगा। आरंभिक लोगों ने गुफाओं की ड्रेस पर चित्र बनाया, उस पर भित्ति चित्र बनाया, मतलब उसके दीवारों पर चित्र बनाए। हुसंगी में ड्रेस से औजार बने मिलते हैं, हुसंगी में पत्थर और हड्डी के औजार मिले हैं। तो उपमहाद्वीप के आधुनिक मानचित्र बताइए भाई, उतना हम देख ही चुके हैं। उपमहाद्वीप में आधुनिक मानचित्र मतलब उपमहाद्वीप माने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, इस कॉल्ड भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट होता है। इसमें भीमबेटका कहाँ है तो मध्य प्रदेश में, हुसंगी कहाँ है तो कर्नाटक में, कुर्नूल कहाँ है तो तेलंगाना में है। क्लियर। अब एक आखेटा खाद संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे, ये तो नॉर्मल बात है, खाने की तलाश में घूम सकते हैं, डर के मारे घूम सकते हैं, पानी की तलाश में जा सकते हैं, मौसम बदलेगा तो भी जा सकते हैं, जानवरों के पीछे पीछे जा सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। आज तुम फल काटने के लिए कौन सोचा, आज के हम फल छुरे से काटते हैं। आखेटक खाद संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे, आखिर खाद संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे। नॉर्मल सी बात है, जब क्या होगा, पहले पहले कहीं जंगल में आग लग गया होगा और आग में जो जानवर जर गया होगा या जो फल फूल या जो कंदमूल हैं वो जर गए होंगे, उसमें झुलस गए होंगे, तो खाने में अच्छा लगा होगा, इसलिए मानव ने क्या सोचा होगा, हम भी आग का इस्तेमाल करते हैं, उसमें पका कर खाएंगे मांस को तो अच्छा लगेगा। फिर आग आग जहाँ रह रहा होगा वहाँ पर जानवर नहीं आते होंगे, इसलिए आग से क्या होगा, आदमी जानवर से रक्षा के लिए भी आग का इस्तेमाल करता रहा होगा। जब ठंड लगता होगा तो उस समय भी आग से आदमी को राहत मिलता होगा, इसलिए आग का इस्तेमाल बढ़ गया होगा। नॉर्मल हो गया, तो ये खत्म हो गया आरंभिक मानव। अब इसके बाद में हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, भोजन संग्रहक से लेकर मानव मतलब कि उत्पादन तक। तब तक के लिए धन्यवाद और आशा करते हैं कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और करें क्या, आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे तरफ से मैं आग्रह कर रहा हूँ, इतना तो बात आप मान ही सकते हैं, और लाइक भी अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।